मोर पंख का अपना विशेषता है फायदा होता है इससे और हमें वातावरण में धूप का भी अपना विशेषता है मंत्र की भी अपनी विशेषता है और ढोंग की भी अपनी विशेषता है ढोंग की ऐसी विशेषता है कि सारी योग्यताओं को हर लेता है सारे शुभ को ढोंग खा जाता है सच्चाई सारे अशुभ को खा जाती, जैसे सूर्य अंधकार को खा जाते शुभ कर्म और भगवत चिंतन चिंताओं को और पापों को नष्ट कर देता है ऐसे अशुभ कर्म अशुभ चिंतन योग्यताओं को हर लेता है नारायण 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 गोरखनाथ जी ने कहा हसीबो बो खेली बो धरी बो ध्यान परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा सत स्वरूप है सत्य चित्त और आनंद सत्ता चेतनता और आनंद सारी सृष्टि में व्याप रहा है इसीलिए किसी वस्तु का नाश नहीं होता बोले बाबा ये नाश हो गया ये नाश हो गया नहीं भैया परिवर्तन हो गया नाश नहीं हो गया दुनिया के सभी वैज्ञानिक मिलकर एक रेती के दाने को बालू के दाने को नष्ट नहीं कर सकते उसको पीस कर हवा में फूक मार के आँखों से ओझल कर सकते लेकिन उसका तत्व रहेगा जैसे बीज है बीज नष्ट हो गया पौधा हो गया पौधा नष्ट हो गया बोले पेड़ बन गया पेड़ है पेड़ को काट दिया फर्नीचर है लकड़ी है लकड़ी को जला दिया तो कोलसा है कोलसे को जला दिया तो राख है तो राख को वो है पना जो है बीज का वो है 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 तो राख में भी है पना तो मौजूद है राख को इधर उधर करके ओझल करो तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है ऐसे ही ये पंच भौतिक शरीर भ्रूण है माँ के गर्भ में बालक है जन्मा बड़ा हुआ किशोर है सेठ है नौकर है साहब है, है। भ्रृण से लेकर साहब है सेठ है, है इसका मौजूद है बूढ़ा हो गया बीमार है मर गया तो मुर्दा है अब जला दिया तो क्या है तो उसका जली अंश जल में है तेज अंश तेज में है वायु अंश वायु में है आकाश अंश आकाश में है अंश राख और हड्डियों के रूप में शमशान में नीचे पड़ा है मूल पैदा हुआ मर गया नष्ट हो गया नष्ट नहीं हुआ परिवर्तन हुआ तो ये है पना कभी नहीं मिट सकता है बीज है वृक्ष है फर्नीचर है लकड़ी है कोलसा है राख है राख भी इधर उधर तो खात है मिट्टी है है पना रहे ये परमात्मा की सत्ता का सत तत्व है ऐसे ही परमात्मा की चेतनता का चेतन तत्व है बैक्टीरिया में जो चेतना है कीड़े में मकोड़े में हाथी में कीड़ी में कुंजर में वो परमात्मा का सत्य सत्य है उनके शरीर के अनुसार सब जगह ये चेतना दिखती है परमात्मा का तीसरा स्वभाव है आनंद जो सुख तो कीड़ी को भी मिश्री खाने में सुख मिलता है तो सुख का एहसास हो परमात्मा की आनंददायिनी चेतना के कारण होता है वे सांप विषधर विषधर अपने मित्र को प्यारा है पत्नी को प्यारा है नागिन नाग को प्यारी है तो उनको भी जो सुखाभास होता है जब बीन बजने पर डोलते हैं तो सुख का एहसास वे भी तो करते हैं। तो अस्तित्व चैतन्यत्व और आनंदत्व ये ईश्वर का सर्वव्यापक में है हिंदू जब शालिग्राम को पूजता है तो वो सोपारी जैसे गोल पत्थर की पूजा नहीं करता है वो सब में छुपे हुए सर्वलोकेनाथम शांताकार भुजकशयनम पद्मनाभम सुरेश्वर विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यांगम वंदे विष्णु भवभयह सर्वलोके सर्वलोकेकनाथ तो तुम्हारे पाँच के पत्थर की मूर्ति का पत्थर की पूजा नहीं करता वो सर्व लोकों में जो व्याप्त है उस एक ईश्वर की पूजा कर रहा है शालिग्राम की पूजा करता है तभी भी सर्व लोक महेश्वर की पूजा करता है वो गोल भगवान की पूजा करता है उसमें भी व्यापक भगवान है और लंबे भगवान की पूजा करता है जगत की तो ऐसा नहीं कि हे लंबी मूर्ति अथवा अष्टभुजा तुम्हारे को प्रणाम नहीं अनंत ब्रह्मांडों में व्याप तो माँ आद्य शक्ति तो स्त्री के रूप में चतुर्भुजी नारायण के रूप में माँ के रूप में शालिग्राम के रूप में अथवा गणपति के रूप में गणानाम नाम पति गुंगवाहा गम गणपत नमः गण जो है हमारी इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां पांच प्राण मन बुद्धि इनको जो चेतना देता है वह गणा नाम पति थी गणपति तो हाथी रूप में जिसका मस्तक है उसकी पूजा करता है तो वो कोई हाथी की पूजा नहीं करता हिंदू लेकिन हाथी मस्तकधारी गणों का स्वामी उस परमात्मा की वो पूजा करता पीपल की पूजा करता है तो किसी लकड़े की या वृक्ष की पूजा नहीं करता लेकिन वृक्ष में जो परमात्मा चेतना है वृक्ष में भी अस्तित्व है चेतनत्व है आनंदत्व है वृक्षों को भी प्रसन्नता का एहसास होता है यह जगदीश बसु हिंदुस्तान के विज्ञानी ने खोजा फिर बेईमान विज्ञानियों ने थोड़ा अपना नाम लगाना चाह लेकिन आखिर सत्य प्रकट हुआ और जगदीश बसु की खोज के पहले आपके ऋषियों की खोज है जगदीश बसु शाम को पेड़ पे चढ़ रहे तो माँ ने कहा बेटा अभी ना चढ़ो पेड़ पे उनको आराम करने दो तो बोले माँ ये सोते हैं बोले हाँ बेटे ये जल और पृथ्वी के कण खाते भी हैं रात्रि को सोते भी हैं और अच्छे व्यक्ति मिलते तो प्रसन्न भी होते हैं और किसी पास वाले वृक्ष को, को कोई काट के आए तो ये उसको देखकर क्रूर व्यक्ति को जो पड़ोसी वृक्ष को काटा तो उसको देख के घबराते भी है और जो सींचने वाला आता है तो उसको देख के प्रसन्न भी होते तो माँ ने कहा जो देहातों में माताएं रहती थी कथाएं सुनकर बच्चों को कहा वो अभी मार के विज्ञानियों को प्रयोग करके उस बात पे आना पड़ता है तो हिंदू जब सावित्री वट उपवास करती माए अथवा पीपल की पूजा करता है या तुलसी की पूजा करता है तो एक पौधे की पूजा नहीं करता है उस एक पौधे में जो सत्य आनंद छुपा है वो विश्वव्यापी ब्रह्मांड व्यापी व्यापी परमेश्वर की पूजा करता है ऐसे मातृदेवो भव माँ भगवान है। तो जितनी भी माताएं हैं वास्तव में उनमें भी सत्य आनंद है और जितनी पत्नियों की पतियां हैं वो लक्ष्मी रूप पति सचमुच में नारायण रूप है और बच्चे गोपाल गोविंद गोपाल रूप है क्योंकि वो गोविंद गोपाल सचिदानंद परमेश्वर बच्चे में भी सतचित्त आनंद स्वभाव को लिए हुए है ग्रह लक्ष्मी में भी वही छुपा है और माँ में भी वही छुपा है बाप में भी वही छुपा है तो अतिथि देवो भवा मेहमान भगवान का स्वरूप है माता भगवती स्वरूप स्त्री लक्ष्मी रूप है पिता भगवान स्वरूप है गुरु भगवान स्वरूप है और ये शालिग्राम तो साक्षात नारायण ये तो माँ जगतम्बा है तो बोले क्या हिंदू लोग कितने प्लेस नहीं इनके कितने सारे भगवान हनुमान भगवान कृष्ण भगवान माता भगवान पिता भगवान गण अरे भैया अगर एक आकृति को भगवान माने तो उतना ही भगवान रह जाएगा फिर भगवान की सर्वव्यापकता सतता और चेतनता मनुष्य को कैसे पता चलेगा अगर एक ही रूप वाला एक ही आकृति वाला कोई भगवान हो तो उसके सिवाय का अभगवान हो जाएगा असत जड़ रूप हो जाएगा लेकिन सब में सतचित आनंद स्वरूप छुपा है सबकी गहराई में सतता है, हमारा वेदांत दर्शन और हमारा दर्शन शास्त्र और वेद तो आपके रेती के दाने में भी पत्थर के ढेले में भी सच्चिदानंद के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसमें भी समय पाकर परिवर्तन होता है तो परमात्मा की चार अवस्था है जो पत्थर पहाड़ में है गोर्धन की पूजा होती पर्वत की पूजा क्योंकि उसमें परमात्मा घन सुषुप्ति में सोए घन माना गहरी नींद जैसे थका आदमी और दही में शक्कर डाल के खिला दो अथवा कोई पिया करे तो पी कर गहरी नींद में पड़ाए ऐसे पत्थरों में पहाड़ों में सचिदानंद की सत्ता घन सुषुप्त में वृक्षों में परमात्मा की सत्ता क्षीण सुसुप्ति में है जैसे आपको थोड़ी निद्रा तो आती है लेकिन किसी कारण निद्रा इतनी गहरी नहीं है क्षीण निद्रा है कोई शोरगुल होता है तो आपको एहसास होता है मच्छर काटता है तो आप करते अथवा दांत पिस रहे तो आपकी क्षीण सुसुप्ति तीसरी अवस्था होती है स्वप्ना की तो जैसे मनुष्य हैं और दूसरे देवी देवता जीव हैं उनकी स्वप्न अवस्था है और चौथे होते हैं जो सच्चिदानंद को ठीक से जान गए उनकी वो परमात्मिक जागृत अवस्था होती है तो पत्थर पहाड़ों की घन सुषुप्ति इसलिए पत्थर में भी परमात्मा को पूजना वो वहीं से परमात्मा को प्रकट कर सकता है घन सुषुप्ति में है जैसे दिया सलाई में अग्नि छुपी है लकड़ी में अग्नि छुपी है संयोग मिलते ही प्रकट हो सकती है ऐसे ही पत्थर में भी सच्चिदानंद की मौजूदगी की है और वो घन सुषुप्ति है चेतन की और जीवों में वृक्ष आदि में क्षीण सुषुप्ति मनुष्य आदि में स्वप्न अवस्था है तो बचपन आपका सपने की नहीं बदल गया अभी आप महसूस करोगे बचपन के दुख सुख समय महत्व लगते थे अभी सपना हो गया लेकिन अभी का फिर सपना नहीं लगता क्योंकि आप अपने आत्मा में नहीं जागे तो सपने से स्वप्नांतर हो रहा है जब सत्संग सुने साधन करें और परमात्मा के पूरे स्वरूप को जानने की तड़फ हो और महापुरुष की कृपा हो तब आप परमात्मा के उस जागृत स्वभाव को समझ लेंगे हो गया परमात्मा का साक्षात्कार तो हिंदू जब पूजा करता है तो वो ये किसी पत्थर की या मूर्ति की या पेड़ पौधे की या माता के शरीर की या पिता के शरीर की सीमा में नहीं बंध जाता है पिता भगवत स्वरूप है माता जगदम्बा स्वरूप है बच्चे बाल गोपाल और जहां जहाँ उसकी भावना और श्रद्धा दृढ़ हुई वहीं वहाँ वो परमात्मा के आनंद स्वभाव को अपने में प्रकट करने में सफल हो जाता है चेतन स्वभाव तो है कीड़ी में भी चेतन है तो जो सत्य है उसका अस्तित्व सदा है जो चेतन है उसमें ज्ञान है तो कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये शक्कर है और ये नमक का कंकड़ है कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये धुआं है यहाँ से भाग चल और ये ठंडी हवाएं आ रही है तो बरसात आएगी कहीं पड़ रही है हमारे बिल में बच्चे पड़ें कहीं डूब न जाए तो कीड़ी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाती कौन उसको नोटिस देता है कौन टेलीफोन करता है तो कीड़ी के अंदर भी वो सच्चिदानंद छोटे से छोटा अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो भगवान है ईश्वर से बढ़कर कोई छोटा नहीं अणुरो अणुयान अणु अन से भी अणु और बड़े से बड़ा भी ईश्वर है महत्व महियान बड़े से बड़ा भी वो परमात्मा छोटे से छोटा इतना है कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसकी सत्यता चेतनता और आनंदता दिखती है बैक्टीरिया को भी अनुकूल वातावरण में मज़ा आता है, है? बैक्टीरिया में भी चेतना है और बैक्टीरिया का भी शरीर जो भी है छोटा मोटा खूब बैक्टीरिया हो गए गन्ने का रस में अथवा ताड़ में बैक्टीरिया हो गए फिर खराब हो गया तो बैक्टीरिया मर गए दारू बन गया दारूदी ने पिया तो कुछ बन गया वो कुछ भी कुछ न कुछ अस्तित्व उसका मौजूद रहेगा बैक्टीरिया की आकृति नाश होती जैसे कंगन है कुंडल है अंगूठी है चैन है पट्टा है तो ये पट्टा चैन सब में सुवर्ण है यह है पना स्वर्ण का है बाकी नाम सुवर्ण के आधार पर रखे गए तो जब जब सुनार देखता है तो सोने को देखता है एक को हुआ कि चलो भगवान की दया हुई तेल में कमाई हुई है चलो ठाकुर जी की मूर्ति सोने की बना ले और तेल में आ गई तेजी महाराज तो उसने लाखों रुपए और कमा लिए तो बोले राम जी की मूर्ति तो लाए हैं लेकिन सेवक के बिना स्वामी की मूर्ति तो चलो सरकार का सेवक भी ले आए तो हनुमान जी को भी ले आए अब कुछ तेजी मंदी में घाटा पड़ गया तो राम जी को भी उठाया और हनुमान जी को भी उठाया रखा थैली में और माणक चौक बेचने गया तो बोला कि भाई हनुमान जी के तो आपको हम आठ हजार दे सकते और राम जी के दो हजार मिलेंगे बोले पागल हुए हो राम जी भगवान है स्वामी है और हनुमान जी सेवक है बोले हनुमान आप ले जाओ और राम जी भी आप ले जाओ इतने वजन का सोना उनमें से दे दो इतने वजन का हनुमान जी का सोना हमको दे दो बाकी हनुमान जी तुम ले जाना तो हम तो सोने की ही की हैं हनुमान जी की आकृति भक्तराज तुम ले लो तो सोनार की नज़र सोने पर है ऐसे ही हिंदू संस्कृति के वेद शास्त्रों की और धर्म की नज़र है उस पर ब्रह्म परमात्मा पर तो सभी को पर ब्रह्म परमात्मा का सत्यता का चेतनता का आनंदता का ज्ञान हो इसीलिए सारे कर्म कांड विधि विधान है बच्चे के पुंस संस्कार से लेकर गर्भ में बचाए तब से लेकर मृत्यु के सोल में संस्कार तक हमारी व्यवस्था यह है कि आपके अंदर छुपे हुए परमात्मा की सत्ता को चेतनता को आनंदता को पाकर आप निर्दुख हो जाए रसमय हो जाए सुखमय हो जाए आनंदमय हो जाए वैसे भी कीर्तन के पहले हम लोगों ने थोड़ा नृत्य जैसा किया तो क्या है कि हमारे पैरों में और हमारे हाथों में सारे शरीर की नाड़ियों का स्विच बोर्ड है तो थोड़ा बहुत नृत्य करने से इंडा और पिंगला नाड़ी इसमें श्वास की रिधम तेज से चलती तो बीच में सुषमा नाड़ी का द्वार खुलता जिससे आपके ध्यान भजन में बरकत पड़े और दस अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे सिर में दोनों मस्तकों में उन न्यूरॉन्स को पुष्ट करने वाली सुषमा नाड़ी जितना सजग रहेगी उतने वे न्यूरॉन्स सजग होंगे एक एक न्यूरॉन्स एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है रिमोट कंट्रोल की नहीं, उनसे काम करवा सकता है इतनी उनमें ताकत है इतने छोटे जैसे सेलुलर इतना सा है और दुनिया के हर घर और ऑफिस में उसकी रिंग चमत्कार दिखा देती है तो इस सेलुलर की खोज भी तो तुम्हारे न्यूरॉन्स होने की ना दिमाग ने की ना तो सेलुलर बढ़ा के सेलुलर को पैदा करने वाला बड़ा बोले सेलुलर को पैदा करने वाला बढ़ा। तो सेलुलर को पैदा करने वाला मनुष्य का मस्तक बड़ा तो मनुष्य के मस्तक के पीछे जो चेतना सत आनंद की काम कर रही वो बड़ी बोले वो बड़ी तो बस उस तक पहुंचने की व्यवस्था का नाम है भारतीय संस्कृति समग्र ज्ञान बना हुआ है। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्र विना श्री कृष्णा वे भागवत के पहले स्कंद में मंगलाचरण के वक्त आता है ये ग्रंथ तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का है तो फिर भी मंगलाचरण में क्या कि हम किसका पूजन करते हैं सच्चिदानंद रूपा है जो सत्य है चेतन है और आनंद रूप है श्री कृष्ण रूप आए नहीं रूप आए वो सच्चिदानंद कैसे हैं? जगत की उत्पत्ति स्थिति और परलय के कारण है तो उनको हम क्यों प्रणाम करते कि विनाशाय विनाशाया आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के तापों में संसार तप रहा है उन तापों से हम मुक्ति चाहने के लिए परमात्मा को प्रणाम करते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वहा तो कौन से कृष्ण है कि जो सत्यचित आनंद है कृष्ण का वास्तविक श्री कृष्ण नंद यशोदा के घर आए वसुदेव देवकी के घर आए उसके प उसके बाद में हम लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं। ऐसी बात नहीं श्री कृष्ण प्रगटे उसके पहले वेदों में कृष्ण शब्द की महिमा है जो सबको कर्षित करते आकर्षित कर दे आनंदित कर दे उसे कृष्ण कहते हैं तो वही सच्चिदानंद सबको आकर्षित करते सबको आनंदित करते और सबके कर्मों के नियामक हैं और प्रेरणादाता है और फलदाता है आप छुप कर भी कुछ निर्दोष पक्ष पक्षियों को पकड़ के कमरे में ले जाओ अथवा कीड़े मकोड़ों को और कोई नहीं देखता और कीड़े मकोड़े आप पर कोई केस भी नहीं कर सकते और आप उनको अपने हाथ से कुछ लो तो देखो आपके हृदय में नालत कौन बरसाता है अशांति और खिन्नता कौन देता है और कोई नहीं देखे और उनको आपने कुछ खाने की मधुर वस्तु दी तो हृदय में शांति प्रसन्नता और अच्छाई का फल कौन देता है वही सच्चिदा आनंद देता है तो हिंदू की पूजा में मूर्ति पूजकों को जो बेवकूफ मानते हैं अथवा अनेक देवता वो मानने वाले हिंदू लोग ऐसे हैं वैसे हैं उन विचारों को पता ही नहीं कि तुम्हारा तो क्या तुम्हारे पुरखों का भी जन्म नहीं हुआ था उनके पहले तुम्हारे कल्चर का जन्म नहीं हुआ था उनके पहले ही हिंदुओं ने जड़ में से भी भगवान को प्रकट किया और चेतन गुरु में से और माता पिता में से भी ईश्वर के आशीर्वाद को और बातचीत को प्रकट किया यहाँ तक कि ऋषभ से भी ईश्वर के प्रागट्य का वर्णन आता है उपनिषदों में शिष्य ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे भगवान का दर्शन करना है जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पर ले का कारण है मुझे ब्रह्म ज्ञान से बेटे ये जो गाय है पाँच पच्चीस ले जाओ जंगल में और गायों को चराते चराते बैल भी है उनके साथ सांड भी है जब एक हजार गाय हो जाए न तब आना तो तुमको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी अब वो तो बेचारा गिने न गिने लेकिन गुरु का वचन जब एक हजार गायों से भी एक आध ज्यादा हो गई तो ऋषभ बछड़ा बोला कि अब हाँ हमें ले चलो हमारी संख्या हो गई है तो आप कौन बोल रहे हो कि जिसको तुम खोजते हो वो ही मैं बोल रहा उपदेश दीजिए तो ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश उस ऋषभ के द्वारा सच्चिदानंद प्रभु ने दिया बैल के द्वारा फिर आधे रास्ते में आए रात्रि विश्रांति करते करते फिर दूसर, दूसरा दूसरा पाठ का उपदेश दिया ऐसे करते करते कई दिनों में आश्रम पहुंचना था दूर जंगल तो फिर तीसरे पाद का उपदेश दिया तो उसको शांति आनंद और निर्भीकता और चेहरे पर दिव्यता आई क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करता था गायों को चराता था झूठ कपट का तो सवाल नहीं है गाय का दूध पीता था गायों के बीच रहता था आसुरी शक्ति आसुरी वातावरण तो गायों के बीच हो नहीं सकता मरे हुए भूत प्रेतों का प्रभाव भी गौशाला केर्द गिर्द नहीं हो सकता है अपने आश्रमों में गौशाला की गाय घुमाने का मैंने कह दिया है ना वाटिका में भी घूमते यहाँ भी हालांकि यहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं फिर भी गायों के शरीर से जो ओरान निकलती है वो तो सूर्य के गो तत्व का प्रभाव वातावरण में बिखरता है टीबी के परमाणु नहीं रह सकते अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने के लिए गाय का घूमना और गाय का होना बहुत अच्छा है और शुद्ध है तो और शुद्ध होता है वो सच्चिदानंद परमात्मा है विश्व की उत्पत्ति स्थिति और परलय का कारण जैसे गहनों की स्थिति और गहनों की शोभा और गहनों का विलय का कारण सोना है ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि का स्थिति और सृष्टि के लय का कारण वो सच्चिदानंद परमात्मा है कृष्णाय वयम नुमा उस वो सच्चिदानंद और कृष्ण रूप में भी प्रकट हुए उसको हम नमन करते हैं ऐसे ही राम नाम दशरथ नंदन राम आए उसके बाद हम राम राम जपते ऐसी बात नहीं है राजा दशरथ और उनके पिता और उनके पिता के पिता दिलीप राजा और रघु राजा भी राम राम जपते थे राम का मतलब क्या है कि जो रोम रोम में रहा है सचिदार राम ब्रह्म परमारथ रूप तो ये वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति तो भई दुनिया के कई मजहब और कई ईश्वर के पुत्र और खुदा के पैगंबर आए और चले गए उसके पहले की संस्कृति है वे नहीं आए थे तभी की संस्कृति है उनके पुरखे भी नहीं आए थे उन तभी की संस्कृति है तो इस संस्कृति के लिए ये काफ़र हैं मूर्ति पूजक है के ऐसे हैं इस प्रकार दोष दर्शन नहीं करना चाहिए आप जो पूजते हैं हम आप, आपका भी अभिवादन करते हैं आप भले मुजाहिर को पूजते हैं लेकिन वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है हिंदू जानता है जयराम जी के आप कबर को पूछते हैं वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा, छुपा है आप गॉड को पूछते हैं वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है और हिंदू मूर्ति को पूजता है वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है फिर संकीर्णता करके किसी को मूर्ख और बेवकूफ़ मानकर मनुष्य मनुष्य में वही मनुष्यता पैदा करने की क्या जरूरत तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कर लो सभी से स्नेह जगत में कोई नहीं पराया है सब अपनी अपनी बोले तो बेटा ऐसा है पत्नी तो ऐसी है पड़ोसी ऐसा है ऐसा है भाई स्वस्व प्रकृति प्रेरिता आप स्वस्व अपनी अपनी प्रकृति से सब चलते रहते अपने अपने ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद भी सच्चिदानंद का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानियों की भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा होगी सुखदेव जी महान त्यागी है तो जनक वाला राज काज में अलमस्त हो रहे हैं डुलवा रहे हैं सोने के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं तो जो साक्षात्कार सच्चिदानंद का सुखदेव जी को हुआ है इतने मस्त कि फिर जगत की सुधी नहीं और दूसरे राजा जनक इतना की जगत का राजकाज कर रहे हैं शुक्र त्यागी कृष्ण भोगी कृष्ण तो द्वारका का उपभोग कर रहे हैं जनक राघव नरेंद्र राजा जनक और रघु राजा राजकाज करते वशिष्ठ कर्म निष्ठ वशिष्ठ महाराज है तो ये राम जी अब सत्संग कल करेंगे संध्या का समय हुआ है बड़े कर्म में चुस्त रहते सर्वेशम ज्ञानी नाम समान मुक्ता आत्म साक्षात्कार हो जाए फिर भी ज्ञानी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं तो जरूरी नहीं कि बेटा आपके प्रकृति के अनुसार जिए पत्नी आपके अनुसार ही चले पति आपके अनुसार ही चले चलते हैं तो अच्छा है न चले तो आप अंदर में उद्विग्न मत हो परेशान मत हो और नहीं चल चलते हैं तो आसक्ति हो जाएगी नहीं चलेंगे तो अच्छा है अनासक्ति जाएगी इसीलिए आप तो इस संसार को काल से चला रहा है सब जीवों की अपनी अपनी प्रकृति है स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम सही मजदार ज्ञानी महापुरुष अब मेरे गुरुदेव थे तो एक लंबा चोगा पहनते थे और शरीर म... मतलब सिर के बाल मुंडन रखते थे दाढ़ी साफ रखते थे और यहाँ कपड़ा पहनते थे लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है मैं तो दाढ़ी रखता हूँ मेरे गुरुजी को तो नहीं थी और मेरे बाल हैं और मेरा वेश ऐसा है विवेकानंद का वेशभूषा और व्यवहार अलग है राम कृष्ण का अलग है तत्व ज्ञान में जो गुरु जी को प्रसाद मिला है वही शिष्य को मिला लेकिन व्यवहार में तो रमन महर्षि अलग ढंग से जीते राम कृष्ण अलग ढंग से बुद्ध और महावीर अलग ढंग से जीते संसार है खून पसीना भाता जा तान के चादर सोता जा ये नाव तो हिलती जाएगी तू हंसता जाएगा तो ऐसी बातों को कभी याद ना करो जिससे दुख और वही पैदा हो अरे ऐसा है मेरा ये हो गया ये वो हो गया वो हो। इसी का नाम तो दुनिया है कभी अनुकूल होगा कभी प्रत्यु हरे क्यों मेरे कम आम थे गुण अरे ओम थे गुना हरे अमा शू थ बधु देव संसार इनका चिंतन न करो इनकी गहराई में जो सच्चिदानंद बैठा है उसका ये गहना ऐसा हो ये गहना ऐसा गहने तो ठीक लेकिन इसके भीतर जो सोना है उस पर नजर रखो ये बड़ा तरंग ये छोटा तरंग ये झाग है ये, है, ये बुल है लेकिन सब पानी का ही खेल है ऐसे ही सब मेरे सच्चिदानंद का खेल है तो मन जल्दी ब्रह्म परमात्मा में आएगा यत्र यत्र मन हो जाती तत्र तत्र समाध है जहां जा मन जाए वहां वहां सच्चिदानंद का ज्ञान रख दो समाधान समाधि हो जाएगी क्या करें हम भजन करते हैं एक गाय हम बारती है तो गाय की गहराई में चेतनता किसकी है इसी के जो माला घुमा रहा है वो आप रहो जरा माला करने बैठे हो दरवाजा खटखटाता है कैसे लोग हैं मैं तो भजन करती हूँ और ये टीवी जोर से चला रहे तो टीवी चलाकर राजसी सुख ले रहे लेकिन तुझे ही खोज रहे और मैं माला घुमाकर सात्विक सुख लेना चाहता हूं। तुझे ही खोज घुमा है तो टीवी का विक्षेप भी भक्ति में बदल सकता है वो टीवी चलाकर भी तुझे खोज रहे आनंद को और मैं माला घुमाकर भी तुझे खोज रहा हूँ वो खोजते खोजते नीचे जा रहा है और मैं खोजते खोजते तेरे तरफ आ रहा हूं प्रभु तेरी कृपा हमारे यहां तो बेवकूफ नाम भी भगवान का रखा गया जयराम जी की महात्मा जब बोलते हैं अरे बेवकूफ तो भक्त बुरा नहीं मानते विष्णु शास्त्र नाम में आया अज्ञ भगवान सुज्ञ भी हैं अज्ञ भी हैं सब जानने वाले भी हैं और न जानने वाले भी भगवान ही है बेवकूफ में भी वही सच्चिदानंद है कितनी ऊंची बात बता दी सुवर वरहा अवतार में भी भगवान है घोड़े के अवतार में भी भगवान है और मंदिर में जाते ना तो कछुआ मिलता है पहले उसको प्रणाम करो शिव जी के मंदिर में जाओ तो बैल मिलता है तो पशुपति ही पशुओं में भी वो सच्चिदानंद है जीव जंतु में मत्स्य अवतार वरहा अवतार हैग्रीव अवतार नरसी अवतार तो ऐसे घर में के हे नंद गोपाल का बाल गोपाल का अवतरण हुआ है ठीक बात है माता जी आई मातृदेव गुरुदेव नामदेव ने तो कुत्ते में भी सच्चिदानंद का दर्शन कर लिया और भूत में भी सच्चिदानंद का दृढ़ भाव किया तो वहां से भगवान के दर्शन हो गए एक संध्या को नामदेव जी जा रहे थे कोई बड़ी इमली का पेड़ था उसमें भूतड़ा रहता था भूत ने देखा कि छोरा आ रहा है इसको जरा डराए तो जो डरता है उसमें फिर भूत घुसना आसानी हो जाता है भूत को और फिर अपनी वास्ता के अनुसार भोग भोगता है भूत तो एक बड़ा लंबा चौड़ा लेकिन नामदेव के भले पधारो लंबकनाथ लंबे लंबे नाथ भले पधारे धरती पे चरण आकाश लो मात योजन भर के लंबे हाथ भले पधारो लंबकनाथ सुरसन का गुण तुम्हारे गाय नामदेव को करो सनाथ भले पधारो लंबक नाथ अब वो सच्चिदानंद ने कहा कि तो भूतड़े में भी मुझे देखता है तो भूतड़ा गायब हो गया और सच्चिदानंद भगवान नारायण प्रकट हो गए साधो पैदल का जमाना था एक तीर्थ यात्रा करने का तब की बात है नामदेव ज्ञानदेव गोरा कुंभार आदि ये यात्रा करके जब शाम होती तो अलग अलग अपना छोटा मोटा जो टेंट तंबू जैसा था उस समय का लगा देते और भोजन बनाते कई यात्री अपनी अपनी जगह तो सूर्यास्त के पहले भोजन बन जाए भगवान को भोग लगा के आरती के समय खाना है तो वहाँ कोई गांव के नज़ीक डेरा डाला तो कोई काला कुत्ता आया तो किसी साधु ने कहा काला कुत्ता आ गया आप शुकन है किसी ने बोला शुकन है भगा दिया अभी भोग नहीं लगाया बाद में आना आ गया बड़ा लाने, लेकिन नामदेव ने जो बाजरी की रोटी बनाकर खड़ी कर रखी थी लोटे के सहारे और अंदर गया कटोरी लेने घी की तो इतने में कुत्ते ने वो रोटी उठाई और कुत्ता तो चल पड़ा नामदेव ने देखा रोटी ओ ये शाम मेरा शाम इस रूप में आया ओ रुक जा घी के बिना खाएगा तो पेट में दुखेगा रोटी मेरी कौन हो हो रोटी मुझी केर व्यव चोराए चोराए बिना भोग लगाए बिना भोग बनले रोटी खाओ मुखे मखे गिर गिरधारी एडो की न सताए खड़ी खोले बुधाए तू कैसे आ गया चुपके से क्यों ले जा रहा है जरा ठहर मैं तो भी लगा के तुझे भोग लगाने वाला था अब तेरे को भोग लगाना था मूर्ति में तो उससे तुझे अच्छा नहीं लगा तो इस रूप में आया ठहर तो सही जरा ठहर नाम देव भगे तो कुतार भगे आखिर नाम दे थगे बोले ऐसा क्यों सता था है वो तो कुत्ते के अंदर सच्चिदानंद ने प्रेरणा किया रोटी धर दी नीचे आ, 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 आ चतुर्भुजी नारायण कन्न विठल भगवान की जय तो है तो सचिदानंद सब जगह लेकिन भक्त जहाँ दृढ़ भावना करता है वहां से प्रकट कर लेते लकड़ी में तो आग व्याप्त है लेकिन जहाँ घर्षण करा यहाँ उसको संयोग मिला तो आग प्रकट हो गई तो ऐसी संस्कृति वालों को भाई ये जरा से गोल पत्थर को पूज रहे हैं ये तो हनुमान को पूज रहे हैं बंदर वाले चेहरे को ये तो हाथी वाले सिर को पूज रहे हैं बेवकूफ है बुद्ध प्रस्थि वाले हैं फलाने हैं ऐसा बोलकर अपने चित्त को खराब मत करिए अरे ये तो मस्जिद में जा रहे हैं ऐसा तो बोलकर अपने चित्त को खराब मत कीजिए ये तो इधर जा रहे हैं उधर अरे सब उसी को खोज रहे हैं सभी आनंद चाहते सत्यता तो है सबकी चेतनता भी सब में है लेकिन वो तीसरा गुण जो आनंद है उसी के लिए सारे खोज रहे जब आनंद मिलता है तो अच्छा लगता है लेकिन आनंद मिलता है तो बाहर की चीज़ों से मिलता है और फिर बदल जाता है तो टिकता नहीं और सदा आनंद चाहते तो ये करके आनंद मिला जितनी देर मज़ा आया रहा फिर दूसरी जगह जाएंगे तीसरी तो दिन भर रात भर जीवन भर जब सोते सोते ठीक लगता है जब करवट दुखती है तो आनंद नहीं आ रहा है तो करवट बदलते तो भी, भी आनंद के लिए झगड़ा करते तो भी आनंद के लिए कि क्या सिर कपाता जाए दो हाथ और मत्था जो झुकाते तो भी सुख के लिए डायवर्स देते तो भी सुख के लिए कि पत्नी कहना नहीं मानती पति ऐसे हैं चलो मैं दूसरा करूंगा वो भी सुख के लिए लेकिन ये खोज गलत है पत्नी बदलने से पति बदलने से सुख टिकाऊ सुख नहीं मिलता है अपनी समझ बदलने से टिकाऊ सुख को खोजकर कर वहाँ गोता मारने से टिकाऊ सुख की प्राप्ति हो जाती है मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान तू ज्ञान स्वरूप है तू जानता है सुख आता है उसको भी जानता है दुख आता है उसको भी जानता है और बुराया उसको भी जानता है भलाया उसको भी जानता है तो तू चेतन स्वरूप है जो चेतन है वही आनंद है पत्थर की मूर्ति को कोई स्वाद आएगा क्या रोबट को कोई स्वाद आएगा क्या बापू के दर्शन का रोबट के मुंह में रसगुल्ला डाल दो क्या उसको स्वाद आएगा क्या क्योंकि वहां चेतना नहीं है तो जो सत है चित्त है आनंद है हालांकि रोबट में भी चेतना है लेकिन वो घन सुषुप्ति रूप में है और मनुष्य में तो स्वप्न अवस्था में चेतना है तो मनुष्य तो उस चेतना के एकदम करीब है जब पत्थर में भी घन सुषुप्ति परमात्मा की है तो पत्थर की मूर्ति में अगर कोई भगवत बुद्धि करता है तो उसकी भगवत भावना यहाँ स्वप्न अवस्था में जो चेतना है वहाँ तो पत्थर की मूर्ति देर से हो पाकर वो बातचीत कर सकती है चल सकती है दूध पी सकती है मेरी माँ कोई किसी का कुछ बेटा खो गया हो कोई गहने खो गए हो कोई मुसीबत आ गई हो तो मेरी माँ के पास आते वो क्या करती कि राख लेके थोड़ा धरती पर लिप देती फिर गोल कुंडाला बनाती उंगली से फिर जिसे भोजन बनाते ना जैसे अपना चम्मच वो पकड़ती और फिर बोलती कि इसका घर में जो पैसे हैं चोरी हो गए घर वाले ने लिए हैं घर वाले ने लिए हैं नहीं हिला बोले भाई घर वालों ने नहीं लिए कोई बाहर का ले गया है कोई पड़ोसी ले गया है बोले पड़ोसी ले गया को सच बोलेगा सच बताएगा तो सोन पहलेगा कूड़ कहलाएगा तो किन्नी कोडी थी मरनी बात है सामान मिलेगा नहीं मिलेगा मिले तो बदी बधाई देना बदी बधाई भाई मिलेगा मिलेगा और मिलता था तो अब वो उसमें राख में और चमचे में नहीं है लेकिन कुछ लेना नहीं है और भगवान की भक्ति तो वही सच्चिदानंद वहां हिलडुल करा के सच्ची खबर दे देता है पहले तो समझते थे कि मां जी के पास है या कोई कुछ आता होगा लेकिन जब सत्संग मिला तब पता चला कि वही सच्चिदानंद देव थे जैसे भूआ भूपा ढूंढते ना तो जब धूर्तता से ढूंढते तो गप ठोकते लेकिन सच मुझ ढूंढते ढूंढते जब अपने भाव को भूल जाते और स्वार्थ नहीं होता तो जो बोलते तो सच्चिदानंद के करीब होते तो सच पड़ जाता है सिद्धपुर में एक भूआ ढूंढता था शेधि माता सिद्धपुर चाटावाड़ा रोड के पास हम पहले वहां रहते थे कोई आश्रम था बगीचा था वहां रहते थे तो छोड़ दिया था वहां के लोगों को दे दिया तो गए नहीं कभी डिसा में भी रहते थे तो दे दिया तो दे दिया अभी ये देने का विचार है कोई मिल जाए तो अभी आप ही चाहे कोई तैयार हाथों चो करो किसी की हिम्मत नहीं होती तो महाराज हम गए पास में हम जहा रहते थे थोड़ी दूरी तक किसी खेत में उस सेंधी माता का ढूंढने वाला बुआ था तो हमारे कुआ की देखें सच्चाई है कि हमारे पास दिशा का कोई भगत आया शादीशुदा था नहीं उस वक़्त वो कुमार था तो हम जरा आपस में सेटिंग करके गए थे तो हम गए तो बुआ तो ढूंढ चुका था अरे यासारा महाराज जाए क्यों क्या माबू पड़ी बाप मैं जरा झूठ बोला थोड़ा मैं कहीं भगत है दीसा का उसकी पत्नी जरा गर्भवती है फिर ज़्यादा झूठ क्या बोला फिर उसको मैंने इशारा करा तू बता તો કે હવે વહેલી વહેલી એ માં બને છે શું થશે કંઈ ખબર નહીં જ બતાવો બરાબર કે તું નામ ફલાણા ભાઈ હૈલે ખમા માતા ખમા હું તો પહેલે વાતચીત ક્યાં હતા ભગવાનને તો માતાજી ખમા જય હો સેંધી માતા જય तमे दीसा थे आवे आछ माखमा क्या जय हो जय हो हाला के यहां ना आए हो तो मरि गयो हो न जय हो माताजी जय दयालु मां, मां जा 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 साला के छोकरो आउसे तो मैंने बोला माताजी कुंवारो छे ये <laughs> लड़का कुंवारा है तो बोले ना पड़ोसी ने आउसे <laughs> मैं विधवा तो के ना गाम मे छोकर आता वचन खाली ना <laughs> तो है तो लेकिन जब धूर्तता का आधार लेते हैं जैसे हमने मजाक किया ना अला बांध भला बांधू ये वो तो पंख का अपना प्रभाव है लेकिन पंख घुमा कर टूना टोटका करके किसी को इम्प्रेस करके कुछ छीनना ये फिर नुकसान भी उतना ही करता है तो सच्चिदानंद और आप सच्चाई से उन चीजों का उपयोग करो तो सफलता भी होती है जैसे थी तो राख और चम्मच और मेरी माँ को कुछ लेना नहीं होता था तो उसका सच्चा पड़ता था छक्का और उसी जगह पर पुजवाना और लेने का भावना करती तो सच्चाई नहीं आती वो सच्चिदानंद तो जानते ना कि ठगने से कर रही है कि सच्चाई से कर रही जब सच्चाई से करे तो सच्चिदानंद मदद करते हैं और ठगने को करते हैं तो ऊंधा करवा देते हैं नालत करवा देते अभी माँ की समाधि पे लिखा है कि रुपया पैसा चीज वस्तु आश्रम में बोर्ड है ना अभी इसी अहमदाबाद आश्रम में बोर्ड लगा होगा पढ़ा होगा आपने ये चीज वस्तु रुपया पैसा रखना सक, मना है सख्त लिखा है कि नहीं मना है लिखा है दो बोर्ड लगे तो जब स्वार्थ हो जाए कि ये आए और अपने को कुछ मिले तो फिर वो सच्चिदानंद का आनंद और सत्संग का वो प्रभाव नहीं रह सकता जो अभी है तो सत्संग में अगर कुछ प्रभाव है या अच्छाई है या आपकी भलाई होती है तो इसमें मेरा कुछ नहीं है उसी सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूप विश्व उत्पत्ति आदि है तवे जो सचिदानंद स्वरूप है विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो है वो ही परमात्मा की सारी लीला है तो जो कुछ अच्छा होता है भला होता है इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है उस परमात्मा की विशेषता है और कहीं गड़बड़ होती है तो उसमें मेरी ही गड़बड़ी है जब मेरी वासना मेरा अहंकार और मेरा कपट आगे आ जाता है तो आपसे अन्याय तो होगा तब होगा मैं अपने से ही अन्याय शुरू कर दूँ हो जाएगा क्योंकि उस सच्चिदानंद से दूरी चली जाएगी मन बुद्धि और जब मैं सच्चाई से चलता हूं तो आपका भला होगा तब होगा मेरा पहले भला हो जाता है हृदय पवित्र होने लगता है तो गांधी जी क्यों सफल हुए कि सच्चाई का आश्रय थे सच्चिदानंद के करीब थे और दूसरे लोग गांधी जी से भी ज्यादा उस समय के प्रसिद्ध लोग कौन सी खाई में खप गए क्योंकि बुद्धिमान तो वकील रहे होंगे उस समय भी लेकिन उन विचारों को सच्चिदानंद की इतनी महत्ता नहीं जानते होंगे तो आप जितना भी सच्चिदानंद को ईश्वर को हाजरा आज हाजूर मानते हैं या उसको पाने के लिए जितनी सच्चाई से व्यवहार करते उतना ही आपका मंगल होता है उतना ही आप ईश्वर के निकट होते हैं। करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम उस सच्चिदानंद के निकट हो जाते हैं और अपनी गंदी इच्छाएं वास्तव इसको इतने मिलियन हो गया तो मैं भी कमाऊं ये ये खाया तो मैं भी करूँ तो ऐसे निगुरे लोगों की नकल करेगा तो पतन होना पक्का है और महापुरुषों की बुद्ध पुरुषों की भक्तों की और ज्ञानियों की नकल करेगा तो बेड़ा पार होना पक्का है ओ गुरु ने गुरु मंत्र लिया तो कैसे लग गए शबरी बेलन ने मतंग ऋषि का गुरु मंत्र लिया और कैसी लग गई तो उसका अनुकरण करोगे तो आप ऊंचे उठोगे लेकिन दूसरे लोगों का अनुकरण करोगे तो वैसे गए इसलिए जब सत्संग में आते हैं साधना के तो लगता है कि ये सच्चा है लेकिन जब निगुरे लोगों के बीच लगते हैं तो पुराने संस्कार में फिर फिसलने में भी देर नहीं होती इसलिए सावधान रहना